हेलो हाय गाइज, नमस्ते, स्वागत है नेपाल का टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, मैं फिलहाल वीडियो लेके आया हूँ कि यदि आप ब्लॉगर पे वेबसाइट बना चुके हैं और ब्लॉगर पे वेबसाइट बना चुके हैं, उस पर आप प्राइवेसी पॉलिसी, आपको जो पेज बनाना है वो आप बनाना नहीं जानते हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आज मैं वीडियो लेके आया हूँ और आपको मैं बनाना सिखाऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बना सकते हैं, वो भी इजीली, वो भी 2 मिनट के अंदर में। तो गाइज, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा और अपना अच्छा अच्छा कमेंट हमको दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा मोटिवेट बढ़ेगा और मैं आपके जीवन में आपके वीडियो के लिए मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता रहूंगा। तो गाइस, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे अपने स्क्रीन पे और वहां से हम गूगल में जाके, और आपको गूगल से ही आपका प्राइवेसी पॉलिसी, आपका जो ब्लॉगर के लिए होगा, वो हम वही क्रिएट करके दिखाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे। तो गाइज, मैं यहाँ से चलूंगा अपने गूगल में, और गूगल में जाने के बाद गाइज, यहाँ से मैं सर्च करूंगा एक प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो यहां से मैं लिख देता हूं, यहां मैं लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसी, यहां आ गया, यहां लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो इस पर मैं ओके कर दूंगा, और इस पर ओके करने के बाद गाइस, यहां देख सकते हैं आप सब, जो यहां लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, यहां जो दिख रहा है इसी पे ओके कर देंगे। यहां लिखा www.privacypolicy.inform, इस पर ओके कर देंगे। इस पे ओके करने के बाद गाइज, कुछ मेरा इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, और यहां से लिख देंगे अपने कंपनी का नाम, मतलब अपना जो आपका वेबसाइट हो, वेबसाइट का नाम लिख दीजिएगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं, मान लीजिए टेक्निकल, यहां लिख दिया मैं टेक्निकल, उसके बाद में यहाँ लिख दिया मैं टेक्निकल, मान लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ से वेबसाइट का नाम लिखूंगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं द टेक्निकल गैजेट। तो इस पर ये ओके कर दिया। उसके बाद में गाइज, अपने जो वेबसाइट होता है, अपने वेबसाइट का यहाँ आप URL ओ करिए, पेस्ट करिए। तो चलिए, मैं यहाँ से अपना पहले URL कॉपी कर लेता हूँ। तो हम चलेंगे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद यहाँ से मैं लिख लेता हूँ जो मेरा ब्लॉगर वेबसाइट है, जो मैं ब्लॉगर पे काम करता हूँ, वो अपना जो वेबसाइट ना, वो वेबसाइट का मैं कॉपी लिंक कर देता हूँ। और उसके बाद में लिंक करने के बाद गाइज, अभी मैं दिखाऊंगा कि कितने आसानी तरीके से जो होता है वो अभी हमारा आ जाएगा। तो चलो गाइज, यहाँ से मैं अपना कॉपी लिंक कर लेता हूँ, जो हमारा वेबसाइट का लिंक है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया अपने लिंक को। उसके बाद में यहाँ से हम डायरेक्ट चले जाएंगे अपने जो यहाँ जनरेटर में ओपन किया था उस पर चले जाएंगे। तो उसके बाद में गाइस, देख सकते हैं आप, यहाँ से मैं यहाँ अपने जो कॉपी किया था लिंक, उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद गाइस, यहाँ से आपको पूछेगा डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट। तो अपने वेबसाइट पर कुकीज जो करके एक नीचे एड चल रहा है, वो एड आप चलाना चाहते हैं कि आप वैसे ही करेंगे, तो कुकीज को हमको नहीं, तो यहाँ हम कर देंगे नो। उसके बाद में गाइस, लिखा है डू यू शो एडवर्टाइज थ्रो गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट। तो अपने वेबसाइट पर आप गूगल एडसेंस से अपने वेबसाइट पर आप एड चलाना चाहते हैं, तो हाँ हमको चलाना है गूगल एडसेंस से, तो यहाँ से हम कर देंगे एस। उसके बाद में गाइस, लिखा है डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी एक्सपेक्ट गूगल। तो हमको थर्ड पार्टी से भी अपना गूगल एडसेंस पे एड चलाना है, तो हाँ चलाना है, तो वहाँ से फिर हम कर देंगे एस। तो गाइज, यहाँ से फिर कर देंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद गाइज, यहाँ से देख सकते हैं आपका पूछेगा कंट्री, तो आपका कंट्री कौन सा है। तो मान लीजिए मेरा कंट्री यहाँ से नेपाल है, तो मैं नेपाल यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, और आपका जो कंट्री रहेगा वो कंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइज, कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेरा कंट्री आ गया, यहाँ देख सकते हैं मेरा नेपाल आ गया कंट्री। उसके बाद में गाइस, यहाँ से हम एक डाल देंगे ईमेल एड्रेस। तो मान लीजिए हम यहाँ से कोई एक ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, तो कम लाइक नहीं है, तो मान लीजिए हम यहाँ से डाल दे रहे हैं, मान लीजिए हम इसको यहाँ से ईमेल एड्रेस अपना डाल दें। यहाँ नीचे लिखा क्या लिखा, जनरेट माई
प्राइवेसी पॉलिसी, तो यहाँ से हम जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे ओके कर देंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ से देख सकते हैं मेरा यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुका है। तो अब गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं जो प्राइवेसी पॉलिसी है यही आप कॉपी कीजिएगा। और मान लीजिए यहाँ से आप इसे कॉपी करेंगे, यहाँ से हम इसको इसे कर देंगे कॉपी। और कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ से हम ले जाएंगे उसको कर देंगे वहाँ पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद गाइस अब हमारा प्राइवेसी पॉलिसी वहाँ जाके रेडी हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ से सब कर लेता हूँ पहले कॉपी, और कॉपी करने के बाद ले जाएंगे वहाँ कर देंगे पेस्ट। तो गाइस देख सकते हैं कितना बड़ा है यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी, और वहाँ जाने के बाद पेस्ट करने के बाद हमारे वेबसाइट में भी ये रन करने लगेगा। तो यहाँ से हम कर लेंगे इसको यहाँ देखा कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब गाइस चलेंगे अपने उस वेबसाइट पे जहाँ से वेबसाइट हमारा जो वेबसाइट हम बनाए हैं, तो चलेंगे यहाँ से वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे थ्री डॉट पे, और थ्री डॉट पे यहाँ से जाने के बाद यहाँ लिखा है आपके अर्निंग के नीचे लिखा है एक पेजेज का ऑप्शन। इस पेजेज के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से हम अपने प्राइवेसी पॉलिसी को यहीं हम ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ से प्लस करेंगे, उसके बाद में यहीं हम कर देंगे पेस्ट। हमें इसे कर दे रहे हैं पेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से जनरेट हो चुका है, और आप भी इसे जनरेट कर लीजिएगा। तो मैं पहले से जनरेट किया हूँ इसलिए इसको मैं अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं डबल हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा प्राइवेसी पॉलिसी प्रॉप पब्लिश तो यहाँ लिखा है, प्राइवेसी पॉलिसी भी है, उसके बाद कंटेंट भी है, कंटेक्ट अस जो कंटेक्ट हमसे करना चाहेंगे यहीं से कंटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये सब सिंपल है, आप भी ऐसे करके अपने ब्लॉगर में अपना प्राइवेसी पॉलिसी आप यहाँ से एड कर सकते हैं। अगर आपको कंटेक्ट अस नहीं बनाना आता तो वो भी मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। उसके बाद मैं गाइज यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अपना अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा। तो चलो मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ।